ये जो खबर हम सुन रहे हैं कि आटे में प्लास्टिक है, वो चाहे कोई भी ब्रांड का हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम गेहूं से आटा बनाते हैं और आटे में जो प्रोटीन होती है उसको हम ग्लूटेन कहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि 10 ग्राम आटा लिया है और उसमें 7 ml पानी मिला के उसको अच्छी तरह से गूंद दिया है, जैसे आटा गूंदते हैं। और इसके बाद में इसको हम छलनी के ऊपर लेकर वॉश करते हैं टैप वाटर के नीचे, जो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। और वॉश करने के बाद में उसमें से सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। जब वो निकलना बंद हो जाता है तो स्टार्च जो भी स्टार्च है वो निकल जाता है और जो बचता है वो ग्लूटेन है। और इस ग्लूटेन की बहुत इंपॉर्टेंस है व्हीट के केस में, क्योंकि ग्लूटेन से ही जो हम गेहूं के तमाम पदार्थ, चाहे वो चपाती है, चाहे ब्रेड है, चाहे बिस्किट है, जो भी हम बनाते हैं, पास्ता प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बनाते हैं, वो इस ग्लूटेन की वजह से ही बनते हैं। प्रोटीन और यदि हाँ प्रोटीन है और इसकी वजह से बनते हैं, और यदि ग्लूटेन नहीं होगा तो इसका मतलब है वीट ये सब कुछ नहीं बना सकती। इसमें नेचुरल प्लास्टिक वाली कोई बात नहीं है, और जो भी ये इस तरह के भ्रम लोगों के दिमाग में, वो नहीं होने चाहिए। और जो भी फैला रहा है वो ये गलत बात कर रहा है। इसमें कोई प्लास्टिक नहीं हो सकता आटे में। आटे को धोने से जो बचता है वो ग्लूटेन है और प्लास्टिक नहीं है, वही प्रोटीन वही प्रोटीन है। तो इसको अभी हमने बना लिया है और इसको वापस हम करना उसको क्या करना है ज़्यादा हाँ चलो हाँ जितना उसमें ना चलो जितना ये इसके जैसे बाद हम जब इसको धो निकल रहे हैं तो इसमें ये सफेद सफेद निकल रहा इसमें है। डाल के ना उसको हाँ इसको ऐसे समझे ना हाँ जो कुछ बचता है उसको हम ग्लूटेन कहते हैं, और ये सेहत के लिए भी अच्छा है, प्रोटीन है और ये प्लास्टिक नहीं है। हमारे इंडियन वीट के अंदर ये आप यूँ समझो 15-16% से लेकर 40% तक वेट ग्लूटेन मिलता है, और ब्रेड के लिए तो जितना ज़्यादा ग्लूटेन चाहिए होता है। चपाती के लिए आप 25-30 ठीक रहता है, ब्रेड के लिए ये 35-40 के आसपास चाहिए होता है, और बिस्किट के लिए थोड़ा कम चाहिए होता है, मतलब 20-25 के बीच में हो तो वो ठीक रहता है, 20 के आसपास हो तो। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको, ये प्लास्टिक नहीं है और सेहत के लिए अच्छी चीज़ है ये। हमारे देश ने गेहूं के रिसर्च में बहुत प्रगति की है। जब आज़ाद हुए थे 1947 में तो 6.5 मिलियन टन गेहूं पैदा होता था देश में, जी बाहर से मंगा के हम अपने देश के लोगों का पेट भरते संस्था का नाम बता दो नोबल रिसर्च थे। वीट का काम देश भर में होता है, जी लेकिन नोडल एजेंसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट यही है पूरे देश का पूरे देश का, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाहे आईसीआर का इंस्टीट्यूट, हो गया हो गया फीस सारा का काम हाँ जो है वो उसको हम डाल उसको फीस रिसर्च का का उसको फीस का देख ले काम नुकसान के फीस लिए का जो पैसा होता है वो। उसको फीस का उसको फीस का देख देश ले के जो वीट के साइंटिस्ट हैं वो सब यहीं रहते हैं बड़े साइंटिस्ट जितने हैं हाँ मतलब हमारे यहाँ 60 साइंटिस्ट हैं, और जो गेहूं की जो डिफरेंट तरीके की रिसर्च है, वैरायटी बनाने का काम, और रिसोर्स मैनेजमेंट में कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, और क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर जो बीमारियाँ उनके उनका ध्यान रखा जाता है, मेरा कहने का मतलब वीट ये है क्वालिटी प्रोग्राम वीट में, से आपसे ज़्यादा अच्छा देश में कोई नहीं बता सकता मतलब जिम्मेदारी सरकार ने वीट के ऊपर हमें ही दी हाँ हुई आपके है। इंस्टीट्यूट और आप हाँ, लोगों के और कारण से सारे देश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं या दूसरे आईसीआर के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी गेहूं की रिसर्च के लिए फंड यहीं से जाते हैं, आईसीआर से हमको मिलते हैं और यहाँ से सब पूरे देश में तो जाते देश हैं। की बहुत बड़ी संस्था है जो बार्ले और हाँ वीट के लिए काम मतलब करती है बड़ी छोटी जैसी भी है वो, लेकिन जी यही है गेहूं के ऊपर, यही है। तो ये इस तरह से इलास्टिसिटी होती है, तो जब हम गेहूं को आटे को बेलते हैं जी तो वो जो खिंचता है वो इसकी वजह से खिंचता तो है। ये वीट में जो रबर न कह के इसको हम ग्लूटन कहेंगे हाँ ग्लूटेन है, और ये गेहूं का नेचुरल गुण है हाँ और ये ग्लूटन ही प्रोटीन है और हाँ इसकी गुणवत्ता इसी में सब समाए हुए सब हैं समय में, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हाँ है ना कि हानिकारक बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। हानिकारक भगवान भगवान की दी देन है गेहूं तो, नेचुरल है बिल्कुल और नेचुरल है, और गेहूं से हम
सैकड़ों तरह के पदार्थ बनाते और हैं। जो लोग इसे देखना चाहते हैं वो मुंह में गेहूं खा के भी छोटा सा फील कर सकते हैं। हाँ, हाँ इसको यदि दूसरी तरह से देखना है तो आप गेहूं के कुछ दाने जी मुंह में डालें और उसको चबाते जाएं, चबाते जाएंगे तो वो थोड़ी देर के बाद में यही बचता है मुंह में, यही ग्लूटन है, और ये ग्लूटन ये कोई रबड़ नहीं ये है, कोई रबड़ ये नहीं। जबरदस्ती की भ्रांति देश में फैलाई जा रही हाँ, है। जबरदस्ती की भ्रांति है और ठीक नहीं है ये। मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्यारे कस्टमरों को उस भ्रांति और नकारात्मक लोगों की चेष्टा से बाहर निकाला और ये स्पष्टीकरण दिया कि पतंजलि आटे में किसी भी प्रकार का कोई रबर नहीं है, ग्लूटन जैसे जो नेचुरल तत्व हैं वो बहुत भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। बाय।